एवरीवन, टुडे वी डिस्कस योर चैप्टर नंबर 24, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। ओके, सो बेटा आज हम आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण के पाठ यानी चैप्टर 24 को पढ़ेंगे। 24 में हम बेटा देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसको आइटम्स एंड प्रोवर्ब्स बोलते हैं। ओके, तो मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ का बहुत ही महत्व है हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में, हिंदी भाषा में। देखते हैं अब मुहावरे का सबसे पहले अर्थ। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर जब कोई वाक्यांश किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंगुली पर नचना, यह मुहावरा। जैसे कोई शब्द, कोई लाइन सीधी तौर पे ना कह के उसको घुमा के अपने शब्दों में कहें और छोटे में कहें, मतलब बहुत बड़े को छोटे में कह दें, उसी को मुहावरा कहते हैं। ठीक है, अब अर्थ में रूढ़ हो जाता है, मतलब अर्थ में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसी को। तो अंगुलियों पर जैसे नचाना है तो अंगुलियों पर नचाना क्या होता है कि अपनी अंगुली पर नचाना ना, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है कि अपने, ऐसा थोड़ा कि अपनी अंगुली पर नचाएंगे उसको, उसका अर्थ क्या निकलता है। जैसे यहीं पे है, देख लीजिए कि सीधा अर्थ है इसका कि अंगुलियों पर नचाना, लेकिन ये तो मुहावरा का अर्थ हो गया ना, मुहावरा। लेकिन विशेष अर्थ तो ये होगा कि हम अपने इच्छा अनुसार उससे काम करवाते हैं, ऐसा थोड़ा होगा कि हम अपनी अंगुली पर नचाएंगे। तो मुहावरे का मतलब ये होता है बेटा। ठीक है, तो अन्य उदाहरण जैसे देखिए, बहुत ईजी होता है, बहुत आपके लिए ईजी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है हिंदी हिंदी में। अन्य उदाहरण जैसे देखिए, दांत खट्टे कर देना। अब दांत खट्टे कर देना में बेटा क्या हम देखेंगे, दांत खट्टे कर देना, दांत खट्टे कर देना क्या, दांत खट्टे कर देना मुहावरा आ गया। तो इसको वाक्य प्रयोग जब हम करेंगे तो वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब दांत खट्टे कर देना का मतलब यानी बुरी तरीके से परास्त कर देना, इसका अर्थ, ये तो मुहावरा हो गया, इसका अर्थ लिखेंगे तो क्या होगा, बुरी तरीके से पराजित कर देना। अब इसको अगर हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में क्या हो जाएगा, यही वाला हम यूज करेंगे वाक्य में, मतलब जो मुहावरा होगा, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। आप कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने इच्छानुसार। रमेश तो काठ का उल्लू है, हमने दुश्मन को नाके चने चबा दिए। इसमें देखिए, दांत खट्टे करने का अर्थ है परास्त करना या बुरी तरह हरा देना, काठ का उल्लू मतलब बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, और नाको चने चबाना मतलब अत्यधिक परेशान करना। तो ये अर्थ होते हैं, अर्थ भी आते हैं, और वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में हम ये वाली लाइन को यूज करते हैं, ना कि ये वाली लाइन को। ठीक है, तो मुहावरे में क्या हमें पता चलता है कि कम शब्दों में मुहावरा बड़ी बातों को, बड़ी लाइन को अभिव्यक्त करते हैं यानी अर्थ निकालते हैं, उसी को मुहावरा कहते हैं। इनमें सशक्त, प्रभावपूर्ण और आकर्षक एवं साहित्यिक ये बनाते हैं अपने सेंटेंस को। इनके प्रयोग से कम एक शब्दों में अधिक से अधिक भावों को गहराई से व्यक्त किया जा सकता है। इनकी कुछ विशेषताएँ हैं बेटा, प्रायः मुहावरे के मूल रूप में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता मूल रूप में, लेकिन जब मुहावरे का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको क्रिया के अनुसार हम लिंग, वचन, कारक, कर्ता के तथा कर्ता के अनुसार बदलते हैं। जैसे नरेश फूलकर कुप्पा हो गया। अब नरेश है तो यहाँ पे देखिए, नरेश फूलकर कुप्पा हो गया। अब नीलिमा फूलकर कुप्पी हो गई, कुप्पा हो गई। तो अब यहाँ पे फूलकर एक ही में ले लिया है जबकि नरेश है नरेश के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना बेटा कि फूलकर कुप्पा, ये तो सॉरी, ये तो ठीक है, फूलकर कुप्पा गया, अलग अलग कर दिया है। तो नरेश फूलकर कुप्पा मतलब कि हो गया, गया पुरुष है तो गया, और स्त्री है तो गई हो जाएगा। लेकिन लड़की के लिए भी करिए, लड़की के लिए क्या होगा, कभी कभी एक ही जगह होता है, ऐसा नहीं कि कुप्पा का कुप्पी, ठीक है, लेकिन गया का गई तो हो जाएगा, जाना का जाता का जाती। मुहावरा सदैव वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है स्वतंत्र रूप से नहीं, मतलब मुहावरे को हम अलग से यूज नहीं करते, स्वतंत्र नहीं, मुहावरे का सामान्य अर्थ को नहीं बल्कि उसके लक्ष्य अर्थ को ही ग्रहण किया जाता है। मतलब मुहावरे के सामान्य अर्थ को हम नहीं करेंगे बल्कि उसके लक्ष्य को, यानी मुहावरा कहाँ जा रहा है उसके अर्थ को दिखाएंगे। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध मुहावरे देखिए बेटा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, को याद करना पड़ेगा। जैसे है अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है, निरामूर्ख यानी बहुत बड़ा मूर्ख। अब मोहन तुम तो अकल के दुश्मन हो, अरे अब दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, अरे छोटी सी बात पर तुम्हारी समझ नहीं आ रही, मतलब अकल का दुश्मन,
राम तो अक्ल का, अपने अक्ल का दुश्मन है यानी बहुत ही मूर्ख है। अब अक्ल चलने गया यानी बुद्धि से कार्य नहीं करना, मतलब अक्ल कहीं चला गया यानी दिमाग कहीं चला गया, मतलब बुद्धि से काम नहीं किया। तो इसको सोचोगे बेटा तो याद भी हो जाएगा, ऐसा नहीं रटना है। मेरी तो अक्ल चलने गई थी कि मैं अपनी बातों में आ गया, मैं उसकी बातों में आ गया या आपकी बातों में आ गया। अब अक्ल पर पत्थर मारना यानी बुद्धि पर भ्रष्ट हो जाना। अब देखिए अक्ल से मतलब क्या है, बुद्धि। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना, वाक्य बेटा देख लीजिए आप लोग, गरीबों की सहायता करने में सेठ रामदास अगर मगर कर रहा था। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मतलब अपनी हानि स्वयं करना, अपने पाँव को कुल्हाड़ी मारता है मतलब अपनी हानि करता है, इसका अर्थ ये हुआ। जो छात्र मन लगा कर नहीं पढ़ते, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारते अपने पर। अपना उल्लू सुविधा करना, स्वार्थ से करना, अपनी खिचड़ी पकाना सबसे अलग रहना, अलग पकाना सबसे अलग रहना। अपने मुँह में मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा करना, ठीक है। अंग अंग ढील होना मतलब बहुत थक जाना, अंग अंग ढील हो गया। अंधेरे को दीपक दिखाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना। अंधेरे को क्या दीपक दिखाएंगे, एक दीपक से अंधेरा क्या दूर हो जाएगा, पूरा अंधेरा नहीं तो, यानी कि हम मूर्ख को बता रहे हैं। अंगूठा दिखाना मतलब वस्तु देने से इनकार करना, जिसे कहते हैं नहीं अंगूठा दिखा के। अंधेरे घर का उजाला मतलब एकमात्र सहारा यही है हमारे अंधेरे घर का उजाला। अंगुली उठाना मतलब निंदा करना, किसी पर अंगुली उठाते हैं तो उसकी निंदा करते हैं ना, मतलब उस पर आपत्ति करते तभी। अंगुली पर नचाना बस में करना, आपे से बाहर होना बहुत क्रोधित होना, आटे दाल का भाव मालूम होना कठिनाई का सामना होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाई से सामना करना, कठिनाई का सामना करना, ध्यान देना बेटा। आटे में नमक होना मतलब बहुत कम संख्या मात्रा में। आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती मित्र, जो अपना मित्र हो हमारे साथ दे, हमारे साथ धोखा दे। आकाश पता लिख करना मतलब हर जगह ऊपर सब जगह मैंने प्रयास कर लिया यानी बहुत प्रयत्न करना। आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर करना। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, आँखों में धूल झोंकना यानी कपटी मित्र अवसर मिलते ही आँखों में धूल झोंक देते हैं। आँखें चुराना छिपते फिरना, आँखें खुलना होश आना, आँख दिखाना गुस्सा करना, आँखों का तारा बहुत प्यारा, आग बबूला बहुत क्रोधित होना, ईट सीट बनाना बजाना विनाश करना, ठीक है बेटा। इसी तरीके से है उल्लू का उल्लू बन जाना धोखे में आ जाना, उल्लू बन जाना धोखे में आ जाना। अब ईद का चांद जैसे ईद निकलता है साल भर में एक बार कभी कभी, तो ये कभी दिखाई न देना, कभी कभी दिखाई देना। उल्टी गंगा बहना मतलब उल्टा काम करना, क्योंकि उल्टी गंगा भरे यानी उल्टा काम कर रहा है। उल्टी माल फेरना माला फेरना यानी बुरा सोचना, उल्टी माला। अब ये देखिए बेटा, ऊँट के मुँह में जीरा यानी अधिक की सहायता होने पर बहुत कम वस्तु मिलना। ऊँट के मुँह में जीरा यानी ऊँट के मुँह में जीरा क्या काम करेगा, बड़ा सा पेट है उसका। उड़ती चिड़िया पहचाना यानी मन की बात जान लेना। 19-20 का अंतर बहुत कम अंतर। इसी तरह की कफन कमर कसना, देखिए कमर टूटना का कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना, कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। कलम तोड़ के लिखा यानी बहुत अच्छा लिखा। कलई खुलना मतलब रहस्य का पता चल जाना। कागजी घोड़े दौड़ाना केवल लिखा पढ़ी करना, ठीक है। इसी तरीके से होता है बेटा, कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाना, यानी कुआं खोद रहा है मतलब उसकी बात निकाल रहा है, उसको कमी निकाल रहा है, तो कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाना, ठीक है। इसी तरीके से गुड़ गोबर करना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। गागर में सागर बनना मतलब थोड़े में अधिक कहना। गुदड़ी का लाल छिपा हुआ गुड़ी व्यक्ति। घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना का क्या होता है बेटा, बहुत लज्जित होना, ध्यान देना। घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना यानी बहुत लज्जित होना, ठीक है। घाट घाट का पानी मतलब बहुत अनुभवी होना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चांद लगाना आसान बढ़ाना, चांदी होना बहुत लाभ होना, चांद पर थूकना मतलब गुड़ी व्यक्ति में दोष निकालना, चांद पर थूकना मतलब गुड़ी व्यक्ति में दोष निकालना। चींटी के पर निकलना मतलब कमजोर होते हुए शक्ति का प्रदर्शन करना। छाती पर मूंग दलना विरोधी के पास रखकर उसे परेशान करना, ठीक है बेटा। इसी तरीके से है छक्के छुड़ाना बुरी तरह हराना। छठी का दूध जान पर खेलना, जान हथेली पर रखना। जूतियाँ चाटना मतलब खुशामत करना, किसी की जूता चाटना यानी उसकी चपलूसी कर रहा है, खुशामत करना। खुशामत मतलब किसी की चपलूसी करना। जैसा देश वैसा भेष यानी वातावरण के अनुसार ढल जाना। जैसे टस मस होना हटना छोड़ना। धूप में बाल सफ़ेद होना मतलब अनुभवहीन होना, ठीक है। पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना। बंदर घुड़की मतलब बनावटी धमकी। बंदर घुड़की मतलब क्या होता है बेटा, बनावटी धमकी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, माथा ठनकना मतलब शक होना। माथा ठनका मतलब माथा मुझे मेरा ठनक रहा है यानी मुझे किसी पे शक हो रहा है, ठीक है।
राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ी बनाना, तो ऐसे होता है बेटा। लोहा मानना मतलब प्रभाव मानना, ठीक है। सिर पर कफन बांधना यानी बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना। हवा से बातें करना हवा हो जाना, हाथों के तोते उड़ना घबरा जाना, हाथ खींचना हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना, हाथ पर मारना प्रयत्न करना, ठीक है। लोकोक्तियाँ देखिए प्रभाव, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है, लोक और उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित सब उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत भी, जैसे कुछ कहावतें होती हैं। लोकोक्तियाँ जनता में प्रचलित होती है और इनके बनने का आधार सामाजिक जीवन का अनुभव, मतलब ये सामाजिक जीवन के आधार पर बनती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से ये रूढ़ होती हैं। हम इन्हें बदल नहीं सकते हैं और उसमें आए शब्दों के पर्याय से काम नहीं चला सकते हैं। रूढ़ मतलब बदल नहीं सकते हैं। लोकोक्ति को हम आमतौर पर किसी वाक्य के भीतर रखते हैं, अलग वाक्य किसी वाक्य के भीतर रखते हैं, अलग वाक्य की तरह इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे कोयल होन उबली सौ मन साबुन ला, इसमें कोयल का कालापन उसके जरिए दिखाया गया है, ठीक है। देखिए बेटा, जन्मजात गुण को यानी उजली होना इस गुण के परिवर्तन को करता। अब देखिए यहाँ से अकल बढ़िया भैंस, तो काम बुद्धि से होता है ताकत से नहीं, ठीक है। एक पहलवान इस समस्या का हल नहीं कर सका, परंतु उस मरियल ने कैसे आसानी से शामिल कर दिया, इसलिए कहते हैं अकल बढ़िया भैंस, ठीक है। ये भी अपना लाए गवाए के दर दर भागे भी, यानी अपनी चीज़ खोकर दूसरे को काम मुँह देखना, तो यह तो सही कहा गया है। देखिए ये यानी एक लोकोक्ति की तरह कहा गया है, मतलब ये पूरा वाक्य प्रयोग तो हो रहा है लेकिन बाद में क्या कह रहा है, यह तो सही कहा गया है, सही कहा गया है, ठीक है। ऐसे बेटा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, समय गुजरने पर पछतावा व्यर्थ है, ठीक है। अबल मुझे मार अंत भला सो सब भला। अब देखो अंधों में काना राजा, अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी आवश्यक वस्तु मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, मतलब अंधे को आंखें मिल जाए तो सही कहा गया कि अंधे चाहे तो आंखें, पूरा वाक्य बता के कहा गया है, ठीक है। जैसे अंधी पीसे कुत्ता खाए, मेहनत कोई को और करे लाभ किसी और को मिले, मोहन की कमाई उसका बेटा जुए मुड़ा देता है, इसीलिए कहते हैं कि अंधे पीसे कुत्ता खाए, ठीक है। तो बेटा इसलिए आम के आम कुटुलियों के दाम, यानी दोगुना लाभ। आँख का ना आँख का अंधा नाम नैन सो अर्थ के विपरीत नाम होता है, आँख का अंधा नाम नैन सो अर्थ के विपरीत नाम, ठीक है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी आप लोग सुने, एक भ्रष्ट प्राणी पुरुष समाज कलंकित करता है, ठीक है बेटा। तो बहुत ईजी है, इसी तरीके से आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, देखिए ये पूरा लोकोक्ति है, बहुत ईजी है बेटा, ठीक। हाँ यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर देखिए कि मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्तियाँ स्वयं में पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे अपने अर्थ को छोड़ लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ शाब्दिक आप में पूर्ण सत्य होती हैं। मुहावरे में वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग वचन कार्य कंसा परिवर्तित हो जाती है, पर वो लोकोक्तियाँ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। बहुत ईजी है, देख लीजिएगा आप लोग, तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। ओके, थैंक यू।